हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्वगिरन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये टॉपिक है कि क्या हॉर्समैनशिप की ज़रूरत है इंडिया में, इंडिजीनियस ब्रीड्स है सारी जो हमारी देसी ब्रीड्स है उसमें हॉर्समैनशिप की ज़रूरत है या नहीं है। तो पहले तो जानते हैं कि हॉर्समैनशिप क्या है। हॉर्समैनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने घोड़े को कुछ भी सिखाना चाहते हो उसके वेलफेयर के लिए, आपके अच्छे प्लेजर के लिए और उसके एंजॉयबल लाइफ के लिए। जैसे कि उसमें क्या होता है कि आप अपने घोड़े को अपनी लाइफ उससे ज़्यादा एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ और मज़े से जी पाए, उस वजह से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और हॉर्समैनशिप में अपने वो जो उसका राइडर होता है या ओनर होता है उसको भी बहुत अच्छा प्लेजर मिलता है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा घोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाइल्डली अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। तो हॉर्समैनशिप इंडिया में होनी चाहिए या नहीं वो आप लोग डिसाइड करेंगे, बट मैं ये बताऊंगा कि हॉर्समैनशिप के एडवांटेजेस क्या है। पहले तो डिसएडवांटेजेस तो हर चीज़ के होते हैं, बट हमें ज़्यादातर एडवांटेजेस पे देखना है कि वो हमें हेल्पफुल है या नहीं है हमारे लिए। तो एडवांटेजेस में ये चीज़ ज़्यादा आती है, जैसे कि बाहर के लोग आज काउ बॉयज होते हैं एब्रॉड की कंट्री में, वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं कि घोड़े में से डर कैसे निकाले, घोड़े को एक अच्छा मतलब बेटर एनिमल कैसे बनाए उसके मतलब वेलफेयर के लिए और ओनर के प्लेजर के लिए। दोनों ही चीज़ें हॉर्समैनशिप में मिल जाती है। तो लोग इस पे काम करते हैं, घोड़े में से डर निकालते हैं, जैसे घोड़ा पानी से डरता है, कुछ कुछ आवाज़ ऐसे डरता है, आजकल घोड़े मतलब रोड पे जाने से डरते हैं। आज कच्चा रास्ता ज़्यादातर जगहों पे नहीं बचा है, तो लोगों को आज रोड पे राइड करना पड़ रहा है, या फिर कच्चा रास्ता आपको मिलेगा तो भी आपको बीच में कहीं ना कहीं रोड पे मतलब जाना ही पड़ेगा। तो टू व्हीलर व्हीकल या किसी व्हीकल के साउंड से घोड़ा घोड़ी डरते हैं, तो ये सारा डर हॉर्समैनशिप में निकल जाता है। और हॉर्समैनशिप में बंदे को एक एनिमल के साथ बॉन्डिंग बन जाती है बहुत ही अच्छी, और मैं नहीं मानता कि इससे अच्छी बॉन्डिंग कहीं और मतलब हॉर्समैनशिप के जो द्वारा जो ट्रेनिंग्स दी जाती है हॉर्समैन के द्वारा, जब हॉर्समैनशिप की बेस्ड ट्रेनिंग होती है घोड़ों के साथ, तो वो ट्रेनिंग में घोड़ा सबसे अच्छा अपना टाइम व्यतीत करता है और अपने जो ट्रेनर होते हैं या फिर उसके मतलब पार्टनर के साथ उसका जितना अच्छा बॉन्डिंग बनता है शायद ही कभी बनता हो, इससे अच्छा बॉन्डिंग और कहीं पे नहीं बनता, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हो। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये चीज़, ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार कर ली, आपको रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा, तब जाके आपका घोड़ा थोड़े टाइम बाद वैसी चीज़ें परफॉर्म करने लग जाएगा। और ये गेम है सबसे ज़्यादा पेशेंस का, सबसे ज़्यादा इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं आता तो भी चलेगा, बट आपने अगर पेशेंस रख लिया तो आपका घोड़ा बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि घोड़े में आपको पेशेंस के अलावा मतलब पेशेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर है इसके लिए, तो वो चीज़ है। और इंडिया में ज़रूरत है या नहीं वो आप सोचिए, बट चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ के घोड़े को बहुत मतलब ऐसा माने तो फोर्स किया जाता है, दो पैरों पे खड़ा किया जाता है, बिट वाली लगाम लगाई जाती है, पर लोगों को ये नहीं पता। एक चीज़ मैंने कहीं पे सुनी थी बहुत अच्छी थी कि अगर आप घोड़े को खड़ा ही करना चाहते हैं, बीट लगा के जो कांटे वाली बीट होती है वो लगा के आप घोड़े को दो पाँव पे खड़ा करते हैं, तो वो आपको एक शौर्य जैसी फीलिंग देता है। बट सच्ची आपकी फीलिंग अच्छी कब आएगी, जब आप नीचे खड़े रह के घोड़े को सिर्फ इशारे से खड़ा कर सकते हैं। वो आपकी एक सच्ची हॉर्समैनशिप है, आपने उसे कुछ अच्छे से सिखाया है और वो बिना किसी फोर्स के उसे परफॉर्म कर रहा है। घोड़ा एक बहुत अच्छा दिव्य प्राणी है, बट वो सेंसिटिव भी इतना है, इसलिए वो आपका कहना मानता है। बट आप एक चीज़ मानिए, अगर आपके आपने उसे बिना दर्द दिए अच्छी चीज़ें आपको मतलब जो चीज़ें करवानी है वो आप बिना दर्द दिए भी करवा सकते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और वो चीज़ जब वो बिना दर्द के करता है तो वो लंबे टाइम तक भूलेगा भी नहीं और हमेशा आपको अपने ओनर को याद रखेगा। जो आजकल के काउबॉयज होते हैं उनके हाथ से जब घोड़े पॉलिश होकर दूसरे के पास जाते हैं, तो जब भी उनका जो ट्रेनर पहले का था वो आता है तो तब भी वो उन्हें रिस्पॉन्स तुरंत करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा, मैं जिसके पास पहले था ये मालिक है मेरा, वैसा उसे पता चल जाता है। तो यही एक बॉन्डिंग होती है और हॉर्समैनशिप एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके साथ आप अपने घोड़े मतलब आप अपने घोड़े के साथ पूरी बहुत ही बेहतरीन लाइफ अपने घोड़े के साथ व्यतीत कर पाते हैं, वो एकमात्र तरीका हॉर्समैनशिप है। तो क्या आप चाहते हैं कि हॉर्समैनशिप के बारे में हम और डिस्कस करें या फिर उसके वीडियोस लाएं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।